माई चैनल एंड आई एम बैक विथ अनदर ब्लॉग एंड आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बारे में मुझे आज ही पता चला और मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज हमारे मुजफ्फरपुर में ऐसी चीज़ें बहुत ही कम होती हैं। और आज लगा हुआ है, आज नहीं आई मीन कुछ दिन से यहाँ लगा हुआ है अम्बेडकर हैंडक्राफ्ट एग्जीबिशन कम सेल। तो यहाँ पे जो हैंडक्राफ्ट चीज़ें होती हैं उनके सेल लगी हुई है, एग्जीबिशन लगा हुआ है, काफ़ी प्यारा है। ऐसी चीज़ें हमें पटना में बहुत देखने को मिलती है बट अभी हमारे मुजफ्फरपुर में लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आज आप लोग के साथ ये पूरा टूर शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, कुछ जो स्पेशल चीज़ें हैं उनके प्राइजेस भी बताने वाली हूँ। और सिर्फ कल ही तक का ये एग्जीबिशन है तो आज की वीडियो देखने के बाद कल आप लोग को अगर कुछ भी लेना है, घूमना है तो ज़रूर आइएगा। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एड्रेस एंड यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है। तो कुछ भी आपको पूछना भी है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें रहेगा। सो मैं एंटर कर चुकी हूँ इस एग्जीबिशन में एंड यहाँ पे सबसे पहले ही मैं आप लोग को यहाँ के मैनेजर से मिलवा देती हूँ। आपका नाम क्या है सर? शिव कुमार। शिव कुमार, कब से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है? 3 फरवरी 2021 से। अच्छा, 3 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल हम लोग को पता नहीं था वैसे कब तक है ये, कब तक? 12 फरवरी। 12 फरवरी मतलब कल तक जो है यहाँ पे एग्जीबिशन है और सारे हैंडक्राफ्ट चीजें है ना यहाँ पे। जी, जी। और पूरे सिर्फ बिहार से है या बाहर के भी? बाहर से भी लोग आए। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे जो है बिहार के भी एरिया, अलग अलग एरिया से आए हुए हैं जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। और उसके अलावा बिहार के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये है फर्स्ट स्टॉल जहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा कोविड के टाइम में ज़रूरी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कि हाथ से बनाया हुआ प्योर कॉटन का मास्क है। मास्क का क्या रेंज है? 40 में है। अच्छा, तो यहाँ पे मास्क है, यहाँ पे ग्लव्स है। देखिए ग्लव्स भी पहली बार मैंने देखा, इस तरह से कॉटन का ग्लव्स बना हुआ है। और कुछ यू नो हैंड बैग हाथ से बना हुआ है, देखिए बहुत अच्छे से काम किया गया है, हाथ से बना। इन सब का रेंज क्या है? 350 का ये सब जो है इसका रेंज है। बट तो नेक्स्ट स्टॉल है यहाँ पे गर्ल्स के लिए, यहाँ पे ये सब ब्लाउज का क्या रेंज है? 350। देखिए यहाँ पे जो फैंसी ब्लाउज होते हैं गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए, वो सब भी है यहाँ पे। इनका स्टार्टिंग रेंज है 350 तक का। कुछ चादर हो गए, हैंडीक्राफ्ट, हैंडक्राफ्ट बहुत प्यारा सा वहाँ पे आप देख सकते हैं, चादर है। और देन यहाँ पे कुशन कवर ये सब भी है बहुत सा। रेंज क्या है इन सब का? 1000 से इसका स्टार्टिंग रेंज है और आपको जितना चाहिए उस तरह का जो है रेंज इसमें हाई होता जाएगा। यहाँ पे जो है हाथ से बुने हुए स्वेटर्स जो होते हैं वो सब स्वेटर्स यहाँ पे हैं। अभी जो मैम है वो स्वेटर आप ही बुनती हैं इन सबको? अच्छा, तो ये खुद से ही बुन के और यहाँ पे लगाती हैं। पूरे इंडिया में हम लोग का बिहार का मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे देखेंगे हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों पे भी, ऐसे छोटे छोटे बैग हैं उन सब पे मधुबनी पेंटिंग्स की गई है। मैम इन सब का रेंज क्या क्या होगा? ये सब छोटे वाले का? अच्छा, 100 से स्टार्टिंग है और लास्टली आपको 300 तक चला जाएगा। जैसे छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े हैंड बैग भी है और काफ़ी अच्छे से इसमें इतनी मेहनत लगती है और इतना ये ब्यूटीफुल लगता है, बहुत अच्छे से डिज़ाइंस बने हुए हैं इसमें। ये जो स्टॉल देख रहे हैं ये पूरा वुडन है, मतलब लकड़ी का
बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे टॉयज भी है। भैया इन सब का रेंज क्या होगा? ₹60 का। बहुत प्यारा सा, यू नो हम लोग प्लास्टिक वाला यूज करते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो ये लकड़ी वाला आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा ₹60 का है। उसके अलावा यहाँ पे देखें बहुत अच्छा, यू नो आप घर पे अपने पॉट है बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से डिजाइन बने हुए हैं, काफी सारी चीजें हैं। एक एक चीज को कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा एक छोटे से वीडियो में। यहाँ पे भी देखेंगे बड़े बड़े, यू नो लाइक पूरे घर के, घर को डेकोरेट करने के लिए पूरा डेकोर का सामान है। सोफा हुआ, बच्चे वहाँ पे जो झूले हैं वो झूले सारे कुछ है यहाँ पे, काफी कुछ। अब मैं आप लोग को वीडियो दिखा दूंगी ना, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे वैसे तो हैंडक्राफ्ट मेला है, बट उसके अलावा भी यहाँ पे यू नो खाने के लिए सुपौल का फेमस खाजा है। तो क्या रेंज है इसकी? अच्छा, मतलब रिफाइन ऑयल का भी है और शुद्ध घी का भी है। तो शुद्ध घी का क्या रेंज है? मतलब 20 रुपए पीस है, 20 रुपए पीस। केजी पे भी चाहे तो कोई ले सकता है। अच्छा, खुद से यहाँ पे टेस्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ कि मुझे ये कैसा लगता है, तो तभी तो आप लोग भी आके ट्राई करोगे। सो मैं ट्राई कर रही हूँ घी वाला, एकदम गरम गरम फ्रेश है बहुत, अभी एकदम क्या क्रिस्पी है देखिए। खाजा मैंने बहुत बार खाया है, बट लाइफ का ये बेस्ट खाजा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब ये अंदर तक गया हुआ है, ठीक है। एक तो घी है तो उसका अलग ही फ्लेवर आ रहा है, और ऊपर से ये जो है ना पूरा, मतलब चीनी की जो चाशनी होती है वो हर एक एरिया तक पहुंची हुई है, और इतने सारे लेयर्स हैं यहाँ पे देखेंगे ना, बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे देखेंगे ये सब बंडी जो होते हैं, जो हमारे अंकल या पापा वाले जो एज होता है उन लोग के लिए बहुत प्यारा प्यारा, यू नो हाथ से बना हुआ, और इनकी जो क्वालिटी होती है ना बहुत अच्छी। अच्छा, नवयुवक ज्यादा पसंद करते हैं इस चीज को, अब फैशन में हो गया ना, और शादी वादी में भी नहीं, इसे निम्फ से जोड़ने के बाद इसे बहुत अच्छे कलर आने लगे, बहुत अच्छे डिजाइन आने। अच्छा, मतलब पहले सिर्फ सिंपल कलर, अब पहले की खादी नहीं रही। हाँ हाँ, अब पहले लोग कहते थे कि मोटा कपड़ा है खद्दर है कोई नहीं पहनेगा, इन निम्फ से जोड़ने के बाद इसके अलग कलर इसके अलग डिजाइन आने। अच्छा, जैसे कि वहाँ पे मैं देख भी रही हूँ येलो ब्लैक, ये रेंज क्या हो रहा है? 700 से स्टार्टिंग है, मतलब ये लोग जो बैठे हुए हैं वो लोग खुद से इस चीज को डिजाइन भी करते हैं, और ये प्योर सिल्क और कॉटन की चीजें। पीछे में आप देखेंगे वो सारा सूट है ना, मधुबनी पेंटिंग किया गया है। कैसे है उसका रेंज जो स्टार्टिंग? 1000 से स्टार्टिंग है। बहुत प्यारा सा कलर में मुझे वो आगे वाला जो है फ्रंट वाला, और उसमें बहुत बारीकी से यू नो डिजाइन किया गया है, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, उसमें मधुबनी पेंटिंग के बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन किए गए। साड़ी वाले का रेंज क्या? 4000। इसमें इसकी क्या खासियत है? मतलब ये रॉ सिल्क है, तसर कोकून जो होता है उसी का बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, प्योर एकदम, प्योर एकदम, प्योर एकदम सिल्क का जो होता है उसका है। तो ये 4000 का है, अब देख सकते हैं इसके कलर भी बहुत प्यारे, और बहुत सारे कलर्स में है यहाँ पे। चीजें भी हैं, तो ये पूरा एरिया आप देखेंगे, ये जो पूरा है वो राजस्थानी कपड़ों से भरा हुआ है, पूरा लहंगा हो गया। अच्छा गुजरात, सॉरी सॉरी, ये जो है पूरा गुजरात का है, मैंने मिस्टेक कर दिया। ये कितने की बंडी है? 500। अच्छा, बहुत सुंदर ही दिख रहा है ना, ये कलरफुल एकदम अट्रैक्टिव कलर, और ये सब हाथ से किया जाता है, बहुत सुंदर लग रहा है देखेंगे। और यहाँ ऊपर में भी देखेंगे, जैसे ये सब होता है ना बच्चों के लिए, जो अभी ये नवरात्रि के टाइम में ये क्या बोलते हैं, डांडिया, नवरात्रि में डांडिया ये सब जो खेलते हैं, उस सब में बच्चों के लिए काफी प्यारा प्यारा। इन सब का क्या रेंज होगा ऐसे बच्चों के? 850 की है। अच्छा, सब रेंज की है, पूरा सेट होता है ना ऊपर नीचे का? अच्छा, तो रेंज भी बहुत अफोर्डेबल है, मतलब 8850 का है, और लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है, बहुत प्यारा प्यारा।
मैं ऐसे वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगी। इधर में एक स्टॉल है जहाँ पे अलग अलग तरीके के जैसे मिक्सचर हो गए, ये गेहूं का मैं भी ट्राई कर रही हूँ। ये देखिए गेहूं का जो चिप्स होता है, ये क्या होता है ना, अभी तक मैंने खाया था वो क्या वो उस चीज का मकई का खाते थे, बट ये गेहूं का है और बहुत क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है, इनफैक्ट ये हेल्दी भी है। और इधर में देखेंगे चना हो गया बहुत सारा, और इनफैक्ट यहाँ पे जो है ना आटे भी रखे हुए हैं। अंदर आटा क्या क्या चीज का है? ये तो मकई का है। अच्छा, और ये ज्वार का हो गया। अच्छा, और ये मड़ुआ का हो गया। अच्छा, मड़ुआ का आटा जो हम लोग वो क्या होता है, कौन सा मड़ुआ बनाते हैं? हाँ, जितिया उस टाइम में जो मम्मी लोग बना के खाती हैं वो सब बहुत अच्छा लगता है मुझको भी, वो सब यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा, मतलब जो हम लोग बनारसी साड़ी के लिए इतना जो बनारस जाना पड़ता था वो अब बिहार में बनता है। रेंज क्या होगी भैया इन सबकी? 1500 से समझिए जितना आपको अच्छे क्वालिटी में चाहिए। हाँ, ये सब जो होती है ज्यादातर शादी वादी में जो होता है दिया भी जाता है हमारे बिहार में। 5500। अच्छा, 5500 की, काफी अफोर्डेबल है, इससे महंगा ही मिलता है बनारस में, क्योंकि मैंने देखा है बनारस में इन सब का रेंज होता है बहुत हाई होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम बिहार में हैं तो क्यों ना हम अपना बिहार को प्रमोट करें, है ना? तो हमारे जब बिहार में ही है तो हम क्यों बनारस जाएंगे, वैसे रेंज भी काफी अच्छा है। सरकार गवर्नमेंट का है, सुजीदी कलाकार लोगों को जो कपड़ा सिलने के लिए हाथ से जो काम दिया जाता है, इसका भी करोड़ों का फंड अभी हमारे यहाँ भूसरा में रामनगर भूसरा जो है वहाँ संस्था चल रही है, वहाँ पर ये छोटे छोटे कारीगर लोग दुपट्टा वगैरह बनाते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है दुपट्टा। गाइस, मैं आपको इसका क्लोजअप व्यू दूंगी, इतना प्यारा प्यारा। अंदर आप? हाँ, अंदर मैं जाके एक बार दिखाती हूँ। गाइस, बहुत ही सुंदर से इसका जो है वर्क किया गया है इस पे, और काफी यूनिक मेरे को लग रहा है, ऐसा मैंने देखा भी नहीं है। ये जो है अभी जितने भी फैंसी लोग, जितने भी स्टैंडर्ड लोग होते हैं, इस तरह का ये काफी अच्छा आपके एक सिंपल से ड्रेस में भी एक यू नो डिफरेंट सा लुक ले आएगा। बहुत प्यारे से इसको, और पूरा हैंड से बनाया गया है, पूरा क्लोज बारीकी से कलाकारी किया गया है इसका जो है। क्या होगा आंटी, इसका रेंज क्या है? ये सब 3000 से लेके 4000 4000 के लिए 4000। अच्छा, अगर दूसरे मार्केट में जाएंगे और महंगे। अच्छा, यूपी से है ये लोग, ये भैया लोग यूपी से हैं। और ये जो कारपेट होता है, ये फुट मैट्स, ये सब सब कुछ है, कैसे है रेंज क्या होगी कारपेट की? 100 रुपीज से स्टार्टिंग, जो जैसे कि फुट मैट्स है तो उसकी स्टार्टिंग रेंज 100 रुपीज, एंड कारपेट जो होगा वो 2500 से लेके 5000 तक के आपको जो है कारपेट्स मिल जाएंगे। एंड दिखा सकती हूँ ये बहुत अलग अलग डिजाइन में, जो आपको यू नो जो बहुत फैंसी वाले वो भी है, एंड बहुत एक रॉयल सा लुक देने वाला वहाँ पे, वो सब देख सकते हैं, हर तरह की चीजें जो मिल जाएगी। गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत मैंने दिखा दिया, हर एक चीज दिखा दिया। आपको कौन सी चीजें सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक दिन का अभी भी आप लोग के पास टाइम है, आप लोग आ सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड उधर से मैनेजर जो है वो बोल रहे थे, कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कुछ भी रिलेटेड इससे पूछना है तो उनको भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो बाय।